3D मॉडलिंग करते समय कई बार हमें ऐसे ऑब्जेक्ट्स की मॉडलिंग करनी पड़ती है जो आकार में गोल कर्वेचर होते हैं, जैसे बल्ब, बॉटल, ग्लास, बर्तन इत्यादि। और इन जैसी चीजों को मॉडल करने के लिए हमें कर्व्स के बारे में जानना जरूरी है। तो आज हम कर्व्स का बेसिक जान लेंगे। अब माया में कर्व्स कई प्रकार से क्रिएट किए जा सकते हैं। जैसे क्रिएट मेनू पे क्लिक कर कर्व टूल सिलेक्ट करें। अब यहाँ पे हमें CV कर्व टूल, EP कर्व टूल, बेजियर कर्व टूल और पेंसिल कर्व टूल के साथ 3-point कर्व टूल और 2-point कर्व टूल दिख रहे हैं। CV का मतलब कंट्रोल वर्टेक्स और EP का मतलब एडिट वर्टेक्स। और बेजियर कर्व टूल इन दोनों से अलग, जिसे कंट्रोल करने के लिए हैंडल्स होते हैं। ठीक है, तो हम CV कर्व टूल से शुरुआत करते हैं। अब CV कर्व टूल के आगे ये जो छोटा ऑप्शन बॉक्स है, इस पे क्लिक करें। इस टूल सेटिंग को रिसेट करें, इससे ये डिफॉल्ट सेटिंग में आ जाएगा। अब यहाँ ग्रिड पे क्लिक करते हुए हम अपना कर्व ड्रॉ करेंगे। आपको यहाँ पे सिर्फ पॉइंट एंड क्लिक करना है। CV कर्व टूल हमें एक अच्छा कर्व देने में सक्षम होता है। जैसे वर्टेक्स ड्रॉ करने से ये कर्व को डिफाइन कर सकता है। अब हम सेटिंग में कर्व डिग्री को 1 लीनियर पे सेट करते हैं। अब इस सेटिंग के साथ हम यहाँ पे एक नया कर्व ड्रॉ करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेट लाइंस और शार्प कॉर्नर्स ही दिखाई दे रहे हैं। कर्व की डिग्री जितनी कम रहेगी, उतने ही कम सीवीज यहाँ पे क्रिएट होंगे, और यही वजह है कि यहाँ पे सिर्फ हमें लाइंस दिखाई दे रही है। ठीक है, अब क्रिएट मेनू में से EP कर्व टूल के सेटिंग बॉक्स पे क्लिक करते हैं। इसे डिफॉल्ट सेटिंग में रिसेट करें। सेटिंग्स को डिफॉल्ट करते ही कर्व डिग्री 3 क्यूबिक में सेट हो जाता है। अब EP कर्व टूल से यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। EP कर्व टूल हमें एडिट पॉइंट से कर्व ड्रॉ करने की अनुमति देता है। इन एडिट पॉइंट्स को हम कर्व के ऊपर ही पा सकते हैं। इससे हम पॉइंट को किसी विशिष्ट जगह पे प्लेस कर कर्व कंप्लीट कर सकते हैं। CV कर्व टूल के तरह ही यहाँ पे भी जितनी कर्व डिग्री लो रहेगी, उतना ही कर्व हार्श और शार्प रहेगा। अब ऐसे ही क्रिएट मेनू में से हम बेजियर कर्व को सिलेक्ट करते हैं। अभी बेजियर कर्व टूल को ड्रॉ करने के लिए हमें ग्रिड पे क्लिक एंड ड्रैग करना है। ऐसे करते ही आपको वर्टेक्स के दोनों तरफ हैंडल्स दिखाई देंगे, और यही हैंडल्स हमें बेजियर कर्व टूल को शेप देने में मदद करते हैं। अभी CV कर्व टूल को छोड़ बाकी जितने भी कर्व्स है, इन्हें यहाँ से डिलीट करते हैं। इसके बाद हम डिस्प्ले मेनू में चलते हैं। अब यहाँ नर्व में से कस्टम के ऑप्शन बॉक्स को ओपन करते हैं। अब यहाँ पे हमें एडिट पॉइंट्स, हल्स और सीवीज को चेक कर लेना है। इन तीन ऑप्शंस को चेक करने बाद हम इस विंडो को अप्लाई एंड क्लोज कर सकते हैं। ये कर्व कुछ एक कंपोनेंट से बना हुआ है। इन कंपोनेंट्स को एडिट करने के लिए हमें सिलेक्ट बाय कंपोनेंट पे क्लिक करना है। यही कंपोनेंट्स कर्व के बुनियादी ढांचे के बनावट में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, और CV उनमें से ही एक घटक है जो कर्व को शेप प्रदान करता है। बाकी जैसे EP और ब्रेजर टूल के हैंडल्स भी इस कंपोनेंट के घटक हो सकते हैं, जिनके कारण उन कर्व्स को शेप मिलता है। अब इस CV कर्व टूल पे राइट क्लिक कर इसके मार्किंग मेनूज में से कंट्रोल वर्टेक्स को सिलेक्ट करें। इसके बाद हम इन वर्टेक्स को कंट्रोल कर कर्व को शेप दे सकते हैं। अब यहाँ मार्किंग मेनू के मदद से हम एक और एक घटक को सिलेक्ट करते हैं, जिसे हम EP कहते हैं, एडिट पॉइंट्स। अब ये पॉइंट्स डायरेक्टली कर्व को ही कंट्रोल कर रहे हैं। इसी प्रकार से ब्रेजर टूल में कंट्रोल वर्टेक्स करने से हमें वर्टेक्स के हैंडल्स मिलते हैं, जिनके मदद से हम कर्व को शेप दे सकते हैं। अगर हम मार्किंग मेनूज में से हल ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, तो हम पूरी की पूरी कर्व लाइन एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं। अब आगे हम कर्व पॉइंट्स का उपयोग कर देखते हैं। इस कर्व पॉइंट के मदद से जहाँ पे आवश्यक है, वहाँ पे हम वर्टेक्स पॉइंट ऐड कर सकते हैं। शिफ्ट की प्रेस एंड होल्ड कर हम एक से ज्यादा वर्टेक्स पॉइंट ऐड कर सकते हैं। इसके बाद कर्व मेनू में से हम इंसर्ट नॉट ऑप्शन को सिलेक्ट करें। अब इस कर्व पे हम कुछ नए वर्टेक्स की सीरीज देख रहे हैं, जिन्हें हम सिलेक्ट कर इस कर्व का शेप मॉडिफाई कर सकते हैं। अब आगे कर्व्स मेनू में से रिबिल्ड का ऑप्शन बॉक्स ओपन कर लेते हैं। इस रिबिल्ड के मदद से हम इस कर्व को कई अन्य प्रकार से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो चलो इस डायलॉग बॉक्स में कुछ सेटिंग्स को चेंज करते हैं। सबसे पहले एडिट में से इसके सेटिंग्स को रीसेट करें। बाय डिफॉल्ट इसकी डिग्री क्यूबिक 3 पे होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इसे 1 लीनियर पे चेंज कर देखते हैं। अप्लाई करें। अब हम कर्व को लीनियर होते हुए देख सकते हैं। ठीक है, इसे अंडू कर इसकी डिग्री वापस 3 क्यूबिक पे रिसेट कर इसे अप्लाई करते हैं। इस तरह से ऑप्शन सिलेक्ट करने पे इस कर्व के CV चेंज होते हुए हम देख सकते हैं। अभी नंबर ऑफ स्पैन्स को हम 27 कर अप्लाई करते हैं। ऐसा करने से इस कर्व में 27 पॉइंट्स ऐड होते हुए हम देख सकते हैं। अभी नंबर ऑफ स्पैन्स को 4 करते हुए हम इस कर्व को पूर्ववत करते हैं। इस रिबिल्ड ऑप्शन बॉक्स को क्लोज करें।
कर्व को सिलेक्ट करते हुए एडिट मेनू की तरफ चलते हैं और यहाँ पे डुप्लीकेट स्पेशल का ऑप्शन बॉक्स सिलेक्ट करते हैं। अब इस ऑप्शन बॉक्स के एडिट मेनू में से इन सेटिंग्स को रीसेट कर लेते हैं। अभी हमें इस कर्व को जेड एक्सेस में डुप्लीकेट मिरर कर लेना है, इसलिए हम स्केल के जेड फील्ड में वैल्यू को -1 करके अप्लाई एंड क्लोज करेंगे। अभी हमारे पास कर्व की मिरर कॉपी उपलब्ध है। अब आगे हम इस दोनों कर्व को कनेक्ट करेंगे। इन दोनों कर्व्स को सिलेक्ट कर कर्व्स मेनू में से अटैच के ऑप्शन बॉक्स पे क्लिक करें। यहाँ पे हमें एडिट में से इसके सेटिंग्स को रीसेट कर लेना है और इसके साथ ही कीप ओरिजिनल बॉक्स को हमें चेक रखना है। इससे हमारे कर्व अटैच होने के बाद भी पुराने कर्व्स सुरक्षित रहेंगे। अप्लाई करने बाद आप हमारे नए अटैच कर्व ग्रीन में देख सकते हो और पुराने ब्लू में देख सकते हो। ठीक है, अब इसे अंडू करते हैं और कीप ओरिजिनल को चेकआउट करने से इन कर्व्स को अटैच करने बाद हमारे पहले कर्व्स डिलीट हो जाएंगे। अब हम इन कर्व्स को बंद करते हैं। पहले इस डायलॉग बॉक्स को क्लोज करें। इस कर्व को सिलेक्ट रखते हुए कर्व्स मेनू में जाएं और यहां से ओपन और क्लोज कर्व का ऑप्शन बॉक्स ओपन करें। इसकी सेटिंग रिसेट करें और इस अप्लाई बटन पे क्लिक करें। अब हमारा कर्व क्लोज हो चुका है। अब इस कर्व को हम डिटैच करेंगे। कर्व को सिलेक्ट रखते हुए इस पे राइट क्लिक करें। मार्किंग मेनूज में से कर्व पॉइंट को सिलेक्ट करें। अब जहां से हमें इस कर्व को डिटैच करना है वहां पे कुछ पॉइंट्स क्रिएट करें। शिफ्ट की प्रेस एंड होल्ड कर मल्टीपल पॉइंट्स क्रिएट करना है। अब आगे कर्व्स में से इन्हें डिटैच करना है। अब हमारे इस कर्व शेप के दो भाग बन चुके हैं। इन डिटैच कर्व्स को रीअटैच कर हम और एक नया शेप बना सकते हैं। इन दोनों कर्व शेप को सिलेक्ट कर कर्व मेनू में से इन्हें अटैच करें। ऐसे करते ही ये दोनों कर्व्स किसी एक बाजू से अटैच होते हुए हमें दिखाई देंगे। अब जो बचा हुआ ओपन सेक्शन है उसे हम कर्व में से क्लोज कर सकते हैं। अब हमारे पास कुछ नया शेप है। ठीक है, इन अटैचमेंट्स को अंडू कर इसे हम दोनों बाजू से ओपन रखते हैं। हम इन कर्व्स को मैन्युअली मूव किए बिना एक्सटेंड कर सकते हैं। कर्व को सिलेक्ट करें और कर्व्स मेनू में एक्सटेंड में से एक्सटेंड कर्व्स के ऑप्शन बॉक्स पे क्लिक करें। जैसे हम पहले करते आ रहे यहाँ पे भी इन सेटिंग्स को रीसेट करें। अब डिस्टेंस को सिलेक्ट करें और जितना हमें डिस्टेंस चाहिए उतना डिस्टेंस यहाँ पे ऐड करते जाए। अब यहाँ पे ये भी ऑप्शन है कि कौन से साइड से हमें कर्व एक्सटेंड करना है। आप स्टार्टिंग पॉइंट से बढ़ा सकते हो या एंड पॉइंट से बढ़ा सकते हो या दोनों तरफ से बढ़ा सकते हो। ठीक है, अभी के लिए इसे अंडू करते हैं। अब आगे हम कर्व के कुछ डुप्लीकेट्स बनाएंगे। दोनों में से किसी भी एक कर्व को सिलेक्ट करें और कर्व मेनू के ऑफसेट में से ऑफसेट कर्व के ऑप्शन बॉक्स पे क्लिक करें। इसके सेटिंग को रीसेट कर ले और इसी डिफॉल्ट सेटिंग को कायम रखते हुए अप्लाई पे क्लिक करें। ऑफसेट कर्व सिलेक्टेड कर्व की एक कॉपी बनाता है और उसे ओरिजिनल कर्व से कुछ डिस्टेंस रख कॉपी करता है। जैसे यहाँ पे ऑफसेट डिस्टेंस 1 है। अब फिर से हमारा ओरिजिनल कर्व सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ऑफसेट डिस्टेंस -2 रख इसे अप्लाई करते हैं और एक कॉपी ऑफसेट हो चुकी है, परंतु दूसरे बाजू में थोड़ा ओरिजिनल कर्व से और ज्यादा डिस्टेंस रख के। और जब हम ओरिजिनल कर्व मूव करेंगे तभी ऑफसेट हुए कर्व भी उसके साथ मूव होते हैं। इसके साथ ही ओरिजिनल कर्व के सीवी एडिट करने से ऑफसेट कर्व्स भी मॉडिफाई हो जाता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में नोड बेस्ड रिलेशनशिप है। तो दोस्तों, कर्व्स का लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डुप्लीकेट और डुप्लीकेट इंस्टेंट के बारे में जान लेंगे। इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में विस्तार से जान लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।